हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक ये शुरू आया कि सबसे फेमस नेशनल मॉस्क है मस्जिद अल अकबर, और मैं आपको आज दिखाने लाया हूँ। अभी 5:30 बज रही भाई, और देख लिया कितना पूरा अंधेरा हो गया है, ऊपर चांद जगमगा रही है भाई। ये देखिए दोस्तों, ये है भाई एंट्री। ये देखिए दोस्तों, अंदर आ चुके हैं, और आप अंदर देखिए मस्जिद कितनी आलीशान बनी हुई, काफी अच्छी मस्जिद बनी हुई। देखा आपने क्या खूबसूरत नजारा है मेरे बैक साइड में, काफी अच्छे से डिजाइन कर रखी है भाई मस्जिद, काफी अच्छे से। इसमें दो सेक्शन है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये जेंट्स के लिए है, और बीच में यहाँ पार्टीशन है। साइड वाला जो सेक्शन है आप उस साइड जो देख पा रहे हैं, वो सिर्फ लेडीजों के लिए। भाई दो सेक्शन में काफी लंबा सेक्शन है लेडीजों के लिए, पीछे तक उस साइड देखिए, आप यहाँ से आने का रास्ता है पीछे तक है, तो काफी लंबा चौड़ा सेक्शन है लेडीजों के लिए, और जेंट्स का भी काफी लंबा चौड़ा है। जेंट्स के लिए ऊपर भी व्यवस्था है, यहाँ पे भाई फोटोग्राफी फिल्मिंग सब अलाउड है। आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप कैमरा क्यों चला रहे हो, फोटो क्यों खींच रहे हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब अपनी इबादत में लगे हैं, आपको कोई मतलब नहीं, आपको शूटिंग करना करो। और ये देखिए पीछे का शानदार नजारा, आप सीधे अंदर आ जाओ, बस ये कंडीशन है कि आप शॉर्ट्स पहन के अंदर नहीं आ सकते, बस आप फुल पैंट पहन के अंदर आओ। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किस मजहब से आप ताल्लुक रखते हो। काफी इस्लामिक बुक्स और काफी सारे कुरान रखे हुए दिख जाएंगे, यहाँ के बैठ के पढ़ सकते हैं। अधिकतर लोग यहाँ नमाज के बाद कुरान ही पढ़ रहे हैं, अधिकतर मैक्सिमम लोग वो बैठ के वही पढ़ रहे हैं। इस्लाम की खूबी है कि आप वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सेम मिलेंगे, कहीं भी जरा सा भी डिफरेंस नहीं होगा भाई। काफी अच्छी मस्जिद है, और दिखाता हूँ मैं भी इसके आसपास का सराउंडिंग नजारा भी दिखाता हूँ आपको। और भाई इसका ये डोम है ना, ये आप देख पा रहे हैं डोम, ये तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है भाई। इसके अंदर अगर ऊपर भी लाइट होती ना, इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है, और हो सकता है लाइट हो उसके ऊपर, लेकिन आप देखिए आप तो अच्छा दिख रहा है। देखिए आप दिख रहे हैं, और जो इसको येलो लाइट से डिजाइन कर रहा था ना भाई, इसमें थीम भी पूरी येलो ही है सामने की साइड, और सामने बड़ी बड़ी कुरानों की आयतें लिखी हुई है। चलिए अब इसको मस्जिद के बाहर का नजारा और आसपास का नजारा दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि बाहर भी काफी अच्छे से डेकोरेट कर रखी है मस्जिद को।
आ चुके हैं अंदर। पूरे स्ट्रीट फूड आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैंने आपको सिंगापुर की भी स्ट्रीट फूड दिखाया, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है पूरी हलाल फूड स्ट्रीट है भाई। आप किसी भी शॉप पर कुछ भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा हलाल फूड आपको मिलेगा। सर का सिटिंग अरेंजमेंट है भाई, तो अल मदीना स्ट्रीट बिल्कुल बगल में ही है, वो एक सेपरेट स्ट्रीट है अल मदीना वाली, बिल्कुल से लग के ही है बिल्कुल। तो यहाँ भी माहौल काफी अच्छा है देखने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो इस्लामिक तरीका है बैठ के खाना खाने का, खाना ऊपर अपन नीचे, तो उसी तरीके से यहाँ पे खाना खाया जा रहा है। रुके हैं कोल्ड कॉफी लेने के लिए, और मात्र 8,000 में ये बड़ा गिलास भर के कोल्ड कॉफी मिल रही है। कितने? मात्र 8,000 रुपए। तो आपको पीता हूँ, टेस्ट बताता हूँ कैसी 8,000 रुपए की कॉफी। तो भाई लोग आ चुका है, एक बम्पर पटियाला पे गया, पटियाला बम्पर जैसे अपना बोलते ना, देखिए। अब आप इंडियन करेंसी में जोड़ लो भाई कितना हो रहा है, मेरे ख्याल से 30-35 रुपए का हो रहा होगा, 30-40 के बीच में, इससे ज्यादा का तो नहीं हो सकता। तो भाई पीते हैं, वो इसका टेस्ट चेक करते हैं कैसा। भाई मिल्क कॉफी है, लेकिन कॉफी काफी स्ट्रांग है भाई, कॉफी का फ्लेवर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इनके पास इंडो मिल्क दूध है, इसको यूज कर रहा है देखिए। और आपको मैंने बता ही रखा है यहाँ दूध को सुसु बोलते हैं, सुसु इंडोनेशियन लैंग्वेज में सुसु। तो चलिए पीते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गूगल ट्रांसलेट के थ्रू बहुत सारी बातें हुई, करीब कॉफी पीने के बाद 40-45 मिनट बात हुई, और काफी अच्छे लोग हैं भाई यहाँ के, और काफी अच्छे से बात करते हैं, लेकिन भाई इंग्लिश किसी को नहीं आती, आपको गूगल ट्रांसलेट का ही सारा लेना पड़ेगा। भाई यहाँ की मेरी फेमस डिश है बास्को, बास्को ऐसे कुछ, बास्को ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। मैंने दिन में खाई थी, लेकिन भाई मुझे तो इतनी अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए अभी तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है और काफी लोग वही पसंद करते हैं, यहाँ पे काफी खाई जाती है डिश। ये है डक, ये देखिए, ये 25,000 की, 25,000 की, और राइस भी है इसके साथ, और ये है भाई 20,000 का, दिस वन 20, ये है भाई 20 का, और ये है भाई 35,000 की, और ये है 20,000। ये है तिलपिया, जो इंडिया में अपना तिलपिया बनाते हैं ना, उस टाइप की है। तो भाई आइटम है यहाँ पे, और यहाँ बैठने का अरेंजमेंट है, यहाँ बैठ के खाई आराम से, और इन्होंने डाल दिया तेल में, और बैठते हैं उधर, देखते हैं और क्या है। भाई कुछ ही देर में अपना डिनर आने वाला है, ये सामने शॉप के लिए। भाई मैं क्या कहूँ कि रेट इतने चीप है कि इतने अपने इंडिया में भी नहीं है भाई। थी योग्यकर्ता का पहला डिनर आ चुका है, डिनर दिखने में तो काफी अच्छा दिख रहा है, हमने बोला था कि स्पाइसी चाहिए, और ये साथ में हब्स जैसे आप देख रहे हैं,
ये मैंने कल खाली थी भाई वो बस टर्मिनल पे, बहुत स्ट्रांग है भाई, पूरे कान और नाक सब जगह धुआं निकाल देती है ये, बहुत हेल्दी लेकिन भाई अपनों से नहीं खाई जाती, बहुत स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग है। और इसके साथ आए खीरा, और ये देखिए ये कुछ इस तरह का डक डिश है ये, देखिए ये राइस आया इसके साथ, और हमने आइस टी मंगाई है भैया, यहाँ का ट्रेडिशनल खाने के साथ आइस टी पीते हैं, तो हम जहाँ के हैं हम भी वहीं के हो गए हैं, तो हम भी आइस टी पियेंगे। तो चलिए अभी डिनर ख़त्म करते हैं, और आइस टी आ जाती तो फिर आपको बताते हैं आइस टी कैसे आती है। आइस टी भी मंगा लिए, और अपना फेवरेट चॉकलेट मिल्क भी ऑर्डर अभी से कर दिया तो मंगा लिया है, तो ये सब खाएंगे। थैंक यू। और ये चिल वाटर मंगाया था, ये भी आ गया है। तो भाई आज अपन 1 लाख का टारगेट लेके निकले, तो 1 लाख में अपन कितना खा सकते हैं देखते हैं। अभी तक हमने 1 लाख में एक जूस पी लिया, एक आपके सामने वो आइस टी सॉरी आइस कॉफ़ी पी ली है, तो अभी तक अपने जो खर्चे हुए सिर्फ 12,000 ही खर्चे हुए हैं, और अभी यहाँ देखते हैं कितना बिल बनता है। मेरे ख्याल से 1 लाख नहीं कर पाएंगे खर्चा। तो ये है भाई इंडोनेशियन ट्रेडिशनल डिनर, और मैं इंजॉय कर रहा हूँ इस टाइम इंडोनेशियन डिश। ये चटनी ना जो दिख रही है भाई, इसने हवा निकाल ली, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अपन ने जोश जोश में बोल दिया एक्स्ट्रा स्पाइसी, लेकिन भाई फाड़ के रख दी उसने। आइस टी है, गलत मत समझना आइस टी है यार भाई, गजब का सस्ता कंट्री है यार, गजब की सस्ती कंट्री यार। देखिए चॉकलेट मिल्क, आइस टी, डक राइस, पानी की बोतल, ये सब लेने के बाद भी भाई इतना 40,000 बिल बना बस। तो अब देखते हैं। तो भाई यहाँ खाया है ठंडा, और ये देखिए ये लिया था अपन ने, और ये है भाई इन्होंने अपने को दिया है भाई बहुत सस्ते में फूड। तो भाई देखिए आपने स्ट्रीट, काफ़ी अच्छी स्ट्रीट है, आई होप आपको पसंद आई होगी। आप जब भी यहाँ आए इंडोनेशिया तो आप इस स्ट्रीट को जरूर एक्सप्लोर करें, और ये सिटीज आपको पता ही है, इंडोनेशिया आए तो सुरबाया जरूर आए, तो सुरबाया में ये स्ट्रीट है, और इसमें काफ़ी सारी स्ट्रीट है। अपने पास टाइम नहीं, अगर कल और होते अपन तो आपको एक आधी स्ट्रीट और दिखाता मैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए ओके, गुड नाइट, बाय बाय।